दोस्तों, आज इंटरनेट हमारे लिए कितना जरूरी बन गया है ये बताने की जरूरत नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज का समाधान हम इंटरनेट पर ही खोजना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इंटरनेट के कारण ही संभव हो सका है। दोस्तों, इंटरनेट चलाने में जो एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है स्पीड। हमारे देश में तो कंपनियां 4G कहकर 2G की स्पीड देती हैं और अब इन कंपनियों ने तो 5G का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि इनका 5G भी अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के 3G से ज्यादा तेज नहीं होगा। बहरहाल, दुनिया के कई देशों ने 5G सर्विस शुरू कर दी है और उन देशों में 5G नेटवर्क की स्पीड जानकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाओ। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दुनिया के उन 10 देशों के बारे में जो 5G इंटरनेट की स्पीड के मामले में पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर YouTube चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 5G इंटरनेट स्पीड की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। पूरी दुनिया में इंटरनेट स्पीड पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ओपन सिग्नल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया में 5G इंटरनेट की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 231 Mbps दर्ज की गई है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 17 Mbps है। बात करें मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड की तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रायल के दौरान 5G इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड 598.7 Mbps तक पहुंच गई थी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश न्यूजीलैंड 5G इंटरनेट स्पीड की इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2021 तक न्यूजीलैंड में 5G इंटरनेट की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 240.7 Mbps है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 21.3 Mbps है। बात करें मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड की तो न्यूजीलैंड में ट्रायल के दौरान 5G इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड 529.7 Mbps तक पहुंच गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है मिडिल ईस्ट का अमीर देश कुवैत। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी वाली इस देश में 5G इंटरनेट की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 242 Mbps है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 23.5 Mbps है। वहीं ट्रायल के दौरान कुवैत में 5G की मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 580 Mbps दर्ज की गई थी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का ही एक और अमीर देश कतर इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल कतर में 5G की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 250.7 Mbps है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 23.8 Mbps दर्ज की गई है। नवंबर 2021 में कतर में 5G ट्रायल के दौरान मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 868.8 Mbps दर्ज की गई थी। दोस्तों, दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित बुल्गारिया एक बालकन देश है। इस देश में भी 5G की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 276.8 Mbps और अपलोडिंग स्पीड 28.5 Mbps दर्ज की गई है। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बुल्गारिया मैक्सिमम स्पीड के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। इस देश में 5G ट्रायल के दौरान मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 794.1 Mbps दर्ज की गई है। दोस्तों, स्कैंडिनेवियन यानी नॉर्डिक देश के नाम से मशहूर स्वीडन इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। उत्तरी ध्रुव के नजदीक स्थित इस देश में 5G की एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड 291.3 Mbps है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 39 Mbps है। स्वीडन में 5G ट्रायल के दौरान नवंबर 2021 में मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 783.7 Mbps दर्ज की गई थी। दोस्तों, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात बहुत तेजी से दुनिया के नए बिजनेस हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। और दोस्तों, जहां बिजनेस की बात होगी वहां हाई स्पीड इंटरनेट का होना भी बहुत जरूरी है। UAE में 5G की एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड 309.7 Mbps और अपलोडिंग स्पीड 26.1 Mbps रिकॉर्ड की गई है। वहीं 5G ट्रायल के दौरान UAE में मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 695.6 Mbps दर्ज की गई थी। दोस्तों, ताइवान जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, सबसे तेज 5G इंटरनेट स्पीड की इस लिस्ट में 3रे स्थान पर है। ताइवान में 5G की एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड 320 Mbps और अपलोडिंग स्पीड 41.6 Mbps आंकी गई है। वहीं 5G ट्रायल के दौरान
ताइवान में मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 934.9 Mbps दर्ज की गई थी। दोस्तों यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ताइवान अपलोडिंग स्पीड के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि मैक्सिमम स्पीड के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर मौजूद है। दोस्तों उत्तरी ध्रुव के पास स्थित नॉर्डिक देश नॉर्वे सबसे तेज 5G स्पीड की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। नॉर्वे में औसत 5G डाउनलोडिंग स्पीड 355.3 Mbps है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 41.9 Mbps है। दोस्तों नॉर्वे पूरी दुनिया में अपलोडिंग स्पीड के मामले में नंबर वन पर मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर मैं नॉर्वे में बैठकर ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता तो अपलोडिंग में मुझे महज 11 सेकंड लगते हैं। बात करें मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड की तो ट्रायल के दौरान नवंबर 2021 में नॉर्वे में मैक्सिमम स्पीड 761.9 Mbps दर्ज की गई थी। दोस्तों 5G इंटरनेट स्पीड की इस लिस्ट में नंबर वन पर है दक्षिण कोरिया। यह देश 5G ही नहीं बल्कि 4G और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड में भी पूरी दुनिया में नंबर वन पर मौजूद है। दोस्तों साउथ कोरिया में 5G इंटरनेट की औसत स्पीड 423.8 Mbps दर्ज की गई है, यानी अगर आप वहां 1 GB की कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो महज 3 सेकंड से भी कम में मूवी डाउनलोड हो जाएगी। हालांकि अपलोडिंग स्पीड के मामले में यह पूरी दुनिया में 9वें पायदान पर है। साउथ कोरिया में 5G की अपलोडिंग स्पीड 33.6 Mbps है, वहीं ट्रायल के दौरान इस देश में 5G की मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 850.8 Mbps दर्ज की गई थी। दोस्तों अब आप भारत के बारे में भी जानना चाहेंगे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में अभी तक 5G सर्विस लॉन्च नहीं हुई है, बल्कि अभी तक इसका ट्रायल ही चल रहा है। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां छोटे छोटे एरिया में इसका ट्रायल भी कर रही हैं, जहां उन्हें इसकी अधिकतम स्पीड 1 Gbps तक मिल रही है। लेकिन जब पूरे देश में 5G लॉन्च हो जाएगा तभी हमें अपने देश में 5G की एक्चुअल डाउनलोडिंग अपलोडिंग और मैक्सिमम स्पीड के बारे में पता चल पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बताया गया सारा डाटा अंतर्राष्ट्रीय संस्था ओपन सिग्नल द्वारा जारी रिपोर्ट से लिया गया है और यह रिपोर्ट 30 नवंबर 2021 तक का है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे देश में 5G की स्पीड कितनी रहने वाली है, दक्षिण कोरिया जितनी, ऑस्ट्रेलिया जितनी या फिर 25 से 30 Mbps? अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।